हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा मोहित ब्लॉग। सो आज हम लोग जा रहे थे धनरुआ धाम पर, जो कि ग्वालियर के पास में महंगाव साइड में पड़ता है। तो ये गांव में पड़ती हैं धनरुआ सरकार जी। इनको डॉक्टर हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध हनुमान जी हैं, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हनुमान जी हैं। बहुत दूर दूर से लोग वहाँ आते हैं यहाँ पर। और कितनी भी दुख कष्ट पीड़ा हो, कैंसर जैसे रोग के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि कैंसर भी अच्छा हो जाता है इनकी फेरी लगाने से। कुछ भी रोग हो या फालस मार गया, मतलब कुछ भी लकवा अकवा कुछ भी हो, तो सबसे पहले अगर हमारे क्षेत्र के लोग वहाँ सबसे पहले धनरुआ सरकार जाते हैं। तो आज इनके बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हम लोग पहुँच गए थे और आप लोग देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा भीड़ थी। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि यहाँ पर पंडित मिश्रा जी, पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी आए हुए थे। उनका से महाप्राण कथा चल रही थी यहाँ से और तो हमें बहुत दूर पता चल नहीं जाते था, हैं। वैसे पता नहीं था कि पंडित जी आए, पर अच्छा ही हुआ। बहुत उनको भी देख लिया, पंडित जी को भी देख लिया और अपने धाम पर भी वो आए। इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि थोड़ी थोड़ी ठंडी पड़नी स्टार्ट हो गई है फिर सब, तो मौसम भी अच्छा था। और इतनी दूर 2 किलोमीटर पे ही हमारी बाइक रुकवा दी थी, क्योंकि अंदर बिल्कुल भी जाना अलाउड नहीं था। ये दुकानें अभी रोड पे रखी हैं, वैसे नॉर्मली अंदर ही रखी रहती हैं ये दुकानें। तो अभी तो क्योंकि बाहर उतना पैंडल वैंडल लगा है, पंडाल वगैरह लगे हुए हैं, और भीड़ की वजह से दुकानें रोड पर ही लगवा दी। और यहाँ से भी बहुत दूर अंदर को पैदल जाना पड़ रहा था, क्योंकि भीड़ की वजह से इतनी ज़्यादा पुलिस लगी है। वैसे नॉर्मली अगर आप लोग जाओगे तो आपको ना ही इतनी ज़्यादा पुलिस मिलेगी, ना ही इतनी दूर आपको रोकेंगे। बिल्कुल डायरेक्ट मंदिर के पास में जाके आप रुक मतलब जा सकते हो, बिल्कुल वहीं पे जाके उतर जाओ। क्योंकि पंडित जी आए थे, कथा वगैरह चल रही थी, तो दूर दूर से लोग वहाँ आ रहे थे। और ये इस धाम की इतनी ज़्यादा महिमा है कि ग्वालियर क्षेत्र हो या फिर अब तो दिल्ली, मतलब जहाँ बहुत दूर दूर तक लोग इनकी महिमा से वाकिफ हैं। तो हम लोग भी दरबार में आ चुके थे, हम लोग गेट से एंट्री करने वाले थे, तो हम लोग भी धाम के अंदर आ गए थे। हम लोग तो जाते रहते हैं, क्योंकि हम लोग ग्वालियर में रहते हैं, जब मन होता है हम लोग तब चले जाते हैं। हमारे थोड़ा सा भी कुछ दुख दर्द होता है तो हमने लिया नारियल उसार के रख दिया कि धनरुआ महाराज के नाम से, तो दुख दर्द दूर हो जाता है। और यकीन मानिए, अगर आप लोगों के घर में कोई ऐसा हो, और इधर देखो धनरुआ सरकार जी के हम लोग अंदर आ गए थे मंदिर के अंदर, और देखो बाबा के दर्शन होंगे अभी। तो बाबा कुछ ऐसे रूप में हैं, सो आप लोगों ने दर्शन कर लिए होंगे। थोड़ा सा ही मोबाइल, क्योंकि पुलिस पुलिस लगी थी तो अच्छे से प्रॉपरली नहीं बना पा रहे थे, ऐसे अलाउड नहीं है इतने पास में जाके मोबाइल चलाना, वहाँ पर भीड़ भी इतनी हो जाती है, तो एक जगह पे खड़ा नहीं होने देते हैं। तो और भी छोटे छोटे देवी देवता बैठे हुए हैं मंदिर के पीछे ही। देखना शिव जी कैसे हाथ खड़े हुए, कितनी बड़ी मूर्ति बनी है शिव जी की। काफ़ी लोगों की भीड़ थी। ये देखो शिव जी की, मंदिर के जस्ट पीछे शिव जी की मूर्ति है। देखो जी, बहुत प्यारी मूर्ति लगती है। और ये सिंहासन दिख रहा होगा, ये वहाँ के महाराज जी हैं, श्री श्री रामदास महाराज जी, उनका सिंहासन है। जब भी वहाँ पे महाराज जी बैठते हैं, मतलब चौकी चौकी भरती है वो कहते हैं, तो वहीं पर बैठ के महाराज जी झाड़ते हैं। ये महाराज जी की देखभाली करते हैं, मंदिर के मेन महाराज जी वही हैं। और यहाँ पर जैसे बहुत से लोग दूर दूर से आते हैं, तो उनके लिए भी सारी व्यवस्थाएं, धर्मशालाएं, कोई पैसा नहीं लगता है। बल्कि मंदिर पर, वैसे तो मंदिर में 12 महीने भंडारे होते रहते हैं। ये जो जगह दिख रही है आप सभी को, ये पूरी जगह उन लोगों के लिए जो कि दूर से परेशान, दूर से आए हैं, उनको फेरी लगानी और हर मंगलवार शनिवार नहीं कर सकते वो लोग, तो यहाँ पे उनके लिए रुकने के लिए धर्मशाला भी है। और इतनी मतलब हर चीज़ की व्यवस्था है, गार्डन एरिया है, और दूर से जाते हैं तो आराम से बैठ सकते हैं, रुक सकते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। और कितना प्यारा गार्डन एरिया देखो सजा के रखा है, बहुत ही प्यारा सा, मतलब
बाहर हरियाली, तो इधर पंडाल लगा था, तो मैं परी पापा से जिद करने लगी कि मुझे चलो एक बार देख के आते। उन्होंने कहा कि मतलब हमारे पास टाइम नहीं था, हम लोग इस वजह से नहीं आए थे कि हम लोग कथा सुनेंगे, हम लोग सिर्फ दर्शन करने आए थे धाम पर। तो इतनी अभी जी जितनी इतनी जगह में आपको जो पंडाल दिख रहा था लगा हुआ, ये पूरी जगह गिर जाएगी। और महाराज जी तो बहुत अंदर बैठे थे, हम लोगों को तो बिल्कुल छोटे से दिखाई, मैंने जूम करके देखा तब भी महाराज जी क्लियर नहीं दिखाई दे रहे थे, क्योंकि बहुत अंदर को बैठे थे। तो ये महाराज जी वैसे भी मोबाइल वैसे बहुत ज़्यादा फेमस है महाराज जी, इनकी कथा आराम से मोबाइल वाल में निकाल लो तो आराम से निकल आती है। और धाम पर कोई ना कोई महाराज जी आते रहती हैं, चाहे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी हो, वो भी दो बार हो गए हैं। तो यहाँ पे हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे, और मेरे सिर पर ये लगा दिया था, वैसे मैं कभी लगवाती नहीं हूँ, क्योंकि परी पापा हमेशा बोलते हैं कि राम का नाम लिखवा के फिर पैरों में नहीं धोया जाता वो। और इधर छोटी छोटी दुकानें वगैरह लगी हुई थी, थोड़ा छोटा टाइप का, मतलब मेरा जो गांव वगैरह से आते हैं। और इधर हम लोगों को रास्ते में मिल गई भीड़, जिनको जरिया का भीर जरिए बोलते हैं। तो मैं तो भाई मान ही नहीं परी पापा से, कानून की रोको रोको तो तोड़ने लगे बेर। अब कुछ लोग कहेंगे कि देखो बेर तो हाँ भाई तोड़ रहे हैं, मैं नहीं मिलते ग्वालियर को खाने के लिए, मिलती है पैसों से, बट अगर फ्री में दिख रहे हैं मतलब सस्ते मिल रहे हैं तो क्यों ना तोड़ के खाया जाए, क्योंकि खरीद के खाने में और खुद से तोड़ के खाने में कुछ अलग ही है ना। इधर परी पापा देख रहे हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं आता, अब बिल्कुल कांटे लग जाते हैं बार बार। मुझे तो अपना अंदाजा है भैया, देखो मैं गाँव से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे हर चीज़ में एडजस्ट कर लेती हूँ। तो मैं बहुत जल्दी जल्दी बेट तोड़ लिए थे, मैंने काफ़ी सारे तोड़ लिए थे रास्ते में, खाते खाते हम लोग जा रहे थे काफ़ी जगह पे हम लोगों ने। और देखो मेरे हाथ में कांटे चुभ गए थे थोड़े थोड़े, तो मैं बता रही थी कि मेरे हाथ में। और इधर हम लोग ग्वालियर में आ गए थे, तो हमें लगी थी बहुत ज़्यादा भूख, तो मैंने परी पापा से कहा कि कुछ खा लेते हैं, तो उनको भी बहुत भूख लगी थी क्योंकि कुछ खा के नहीं गए थे हम लोग। तो इधर हम लोग अपना ऑर्डर दे रहे थे, तो मैं पूछ रही थी क्या ऑर्डर दिया, तो उन्होंने कहा तो तेरे लिए चाउमीन ऑर्डर दे दी, और उन्होंने अपने लिए कचौड़ी वगैरह पता नहीं क्या ऑर्डर किया था, और एक मिल्क शेक किया था। सो गाइस आज का ब्लॉग इतना ही, एक बार जय श्री राम जरूर।